ठीक है अलीजा, सो लेट स्टार्ट विद द टेस्ट पेपर राइट नाउ. देयर इज वन, आई हैव वन. सो ड्रॉ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सच दैट Q1 इनटू Q2 इज ग्रेटर देन 0. सो इसका मतलब क्या हुआ? Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0. Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव. क्या? सो व्हेन बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव यू हैव टू ड्रॉ द फील्ड लाइंस. एंड द फील्ड लाइंस मैंने आपको बताया था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो अगर पॉजिटिव चार्ज है देन फील्ड लाइंस क्या होता है? दैट इज आउटवर्ड होता है. अगर आपके दो पॉजिटिव चार्ज हैं ऐसे करके, अब ये आपके दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये आपकी फील्ड लाइंस, इनकी फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? दैट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड. आउटवर्ड कैसे होगा? ऐसे करके, यूं करके आपको ऐसे बना देना था, लाइक दिस यू कैन मेक इट. ठीक है, ऐसे जाएगा आपका. दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट लाइक दिस. एंड यू नो दैट द फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. ठीक है, द फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, है ना? सो यू कैन जस्ट कीप ऑन मेकिंग लाइक दिस सीधी, लाइक दिस ऐसे बनेगा. एंड इनका डायरेक्शन ये हो जाएगा, फिनिश हो गया. ऐसे आपको ऐसे बनाना था. ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? दो पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रकार की फील्ड लाइंस बनेंगी, है ना? ये ऐसा बनेगा. इसके बाद में अब आप ये बना सकते हो. ठीक है, आई हैव जस्ट गिवन यू अ हिंट, यू कैन मेक इट नाउ. अभी आप जो पेपर है आपको मैं हिंट देता जाऊंगा. एंड यू विल नाउ, यू डोंट राइट एनीथिंग राइट नाउ, कुछ भी आप मत लिखो. आपको अपने आप ही करना है, मैं आपको बता देता हूँ खाली पहले. ठीक है, आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन यू विल डू ऑल द क्वेश्चन अगेन बाई योर सेल्फ. आई विल नॉट डू एनी क्वेश्चन. आई विल गिव यू ऑल द हिंट्स बट द क्वेश्चन विल बी डन बाई यू ओनली. ठीक है, हाँ. सो नाउ द सेकेंड थिंग इज, so then Q1 and Q2 are is less than zero means एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, है ना? अगर Q1 और into Q2 is less than zero, इसका मतलब क्या हुआ? एक नेगेटिव. देखो Q1 is what, it is the magnitude of the charge. Yes sir. ठीक है, now इसका magnitude अगर Q1 का मान लीजिए, let us say मैं एक बात करता हूँ, let us take the case of an electron. तो 1.6 into 10 to the power 19 हो गया. प्रोटॉन का क्या होता है, सॉरी दिस इज माइनस. ठीक है, माइनस हो गया. इनटू प्रोटॉन का कितना होगा? पॉजिटिव 1.6. सो नाउ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यू विल गेट माइनस. तो माइनस इज लेस देन जीरो, इसका मतलब ये. सो ये सो दिस क्वेश्चन पेपर इज आस्किंग यू टू ड्रॉ द फील्ड लाइंस व्हेन वन चार्ज इज पॉजिटिव and the other charge is negative. So in the case of positive charge क्या होगा? Again the field lines will go like this. Negative charge में क्या होता है? Field lines अंदर आती हैं. ऐसे ही होगा. Yes, now in the case of negative charge, what will happen? The field lines will go from the positive charge towards the negative charge like this, because the field lines are directed inwards towards the negative charge. यहाँ से बाहर निकल रही है. Like this, see the, like this. And then again here you can make like this. In the case of positive charge, what was happening here? Field lines are going like this. यहां पे भी ऐसे जाएगा बाहर. ये इसका डायरेक्शन है, एरो बना रहा हूं मैं. ठीक है, yes, ऐसे जाएगा. बट दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर लाइक दिस, इट विल कीप लाइक दिस, सी लाइक दिस. एंड हियर ऑल्सो इट विल बी लाइक दिस, हियर ऑल्सो इट विल बी लाइक दिस. ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा,
ये ऐसे होगा लाइक दिस, सी हियर, लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। बट इन द केस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज सी द फील्ड लाइंस दे फॉर द पॉजिटिव चार्ज इट लीव्स अ चार्ज, फॉर द पॉजिटिव चार्ज इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, सो दिस इज अवे फ्रॉम द चार्ज, बट इट इज डायरेक्टेड, फॉर द नेगेटिव चार्ज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। सो हियर, तो इन दिस केस, इन द केस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपका ऐसे करके एक लूप बन जाएगा, यहां पर ऐसा लूप नहीं बनेगा, है ना, इस केस में यहां पे लूप नहीं बनेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट द फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। सो यहां पे आपको ऐसे बनाना है कि यहां पर जो फील्ड लाइंस आपके क्रॉस नहीं करेंगी, लाइक दिस, जैसे मैंने बनाया लाइक दिस वन, लाइक दिस, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। Yes, समझ में आ गया। तो ये आप जो है क्वेश्चन अपने आप करेंगे।